दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं एक नई लोकेशन पे और यहां पे टेरेस किचन गार्डन का बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। इनके यहां बागवानी होती है और बागवानी केवल और केवल ऑर्गेनिक किचन गार्डन की होती है। बहुत बड़े पैमाने पर छत के ऊपर ये बागवानी है, जिन्होंने ये बागवानी की है श्रीमान मेरे साथी आपको दिख रहे होंगे, इनके साथ ही इनकी पूरी बागवानी देखेंगे ताकि आप भी अपने खाली पड़े सुनसान पड़े छत को वेजिटेबल फार्मिंग या वेजिटेबल किचन गार्डन से इसी तरह से सजाएं ताकि हरियाली के साथ आपको ऑर्गेनिक सब्जियों की आनंद मिल जाए। तो चलिए श्रीमान से लेते हैं इनका परिचय और फिर इनके साथ ही देखते हैं इनका पूरा किचन गार्डन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले आप अपना नाम और फिर प्रॉपर लोकेशन जिस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। मेरा नाम रतन कुमार डाली है, ग्राम नंबर दुर्गापुर एक है, उत्तराखंड में। दोस्तों ये श्रीमान जी रतन ढाली जी हैं, जो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छत के ऊपर किचन गार्डन कर रखे हैं। किचन गार्डन के साथ कुछ फ्रूट प्लांट भी है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप छत पे किचन गार्डन कितने सालों से करते हैं? ये लगभग दो ढाई साल हो ही गया। किचन गार्डन ही आप छत पे करते हैं या फ्लावर प्लांट भी लगाते हैं? नहीं, किचन केवल किचन गार्डन ही करते हैं, नीचे जमीन है ही नहीं हमारा। जी जी जी, तो हम छत के ऊपर ही सब्जी उगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक सब्जियां। इसका आइडिया की यदि बात करें तो ये आइडिया कहाँ से आया? छत के ऊपर आप खेत के बराबर या खेत से भी बढ़िया यहाँ पे किचन गार्डन कर रखे हैं, इसका आइडिया कहाँ से? ये आइडिया ऐसे है कि जैसे हम भी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, जी जी, सब्जियाँ उगाते हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी उगा सकते हैं सब्जियाँ, जी ऑर्गेनिक, वो भी छत के ऊपर। तभी से हम दो ढाई साल से शुरू हो गया हमारा ये ऑर्गेनिक खेतियाँ करना। ये अब ये देखिए मिर्चा देख लीजिए, इतना सारा मिर्चा पक 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 भी गया है मिर्चा, जी जी, तोड़ भी चुके हैं इसमें से हम ढेर सारे मिर्चा। और ये भी देख लीजिए इसमें अभी भी कितना सारा मिर्चा है। तो रतन बाबू ये एक ही पौधा है मिर्चा? हाँ एक ही पौधा है, देख लीजिए एक ही पौधा है और ये पेटी के कोने में लगा हुआ है बिल्कुल, ये है एक ही पौधा। जी जी, मैंने आपके छत पे जितने भी ये किचन गार्डन देखा लगभग सारे ही वेस्ट मटेरियल में लगाए हुए हैं, तो ये थर्मोकोल की पेटियां आसानी से मिल जाता? हाँ थर्मोकोल की पेटियां मिल जाता है, मछली का जो पेटी होता है, जी जी, बोई वाला पेटी है, देख लीजिए मिर्चा अभी भी इसमें कम से कम 1 से 1.5 किलो मिर्च लगा हुआ है दोस्तों, जबकि काफी सारा मिर्च हार्वेस्टिंग कर लिए हैं। ये कितने दिन पुराना पौधा होगा? ये लगभग 4 महीना हो गया पौधा, ये 4 महीने बरसात के मौसम में लगाए थे। और ये एक मिर्च ही मुझे लगता है आपके पूरे फैमिली के लिए काफी होगा एक मिर्च का ये। हाँ ये देख लीजिए सारे मिर्च इसमें। हमारे यहाँ 2 पौधा है मिर्चा का, बस उसमें मिर्चा कभी कभी खरीदना पड़ता है, नहीं तो बाकी इसी से ही हो जाता है। अब ये देख लीजिए ये लहसुन है, पेटियों में हमने लहसुन लगा दिया, इस बार इस साल लहसुन बहुत महंगा है। जी जी जी, तभी हमने जो है इस बार हमने पेटी में लहसुन लगा दिया और लहसुन भी देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। तो रतन बाबू शुरुआती दौर में हमें बागवानी करने के लिए चाहिए होता है वो है मिट्टी। हाँ वो मिट्टी, तो आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं ये यदि आप बताएं? देखिए मिट्टी तैयार करने के लिए बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी दोनों आधा आधा मिलाना पड़ेगा। अच्छा 50%? हाँ 50%, तभी जाके आपको इतना बढ़िया दिखने को मिलेगा। जैसे लहसुन हमारे यहाँ पे देखिए पेटी में कितना बढ़िया हो रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है ये। कितने दिन पहले लगाए? ये लगभग 1.5 महीना लगभग हो गया। अच्छा 1.5 महीने का पौधा? हाँ 1.5 महीने का ये। और ये लहसुन कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये मार्च के महीने में तैयार होगा। अच्छा मार्च के महीने में आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये ढेर सारे आपने लहसुन लगाए हुए हैं, मुझे लगता है आपके घर की जरूरत की कम से कम 50% तो इसी से कम पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ। ये कौन सा सब्जी है रतन बाबू? ये है गोभी, गांठ गोभी बोलते हैं इसे। गांठ गोभी बोलते हैं इसको। ये देखिए और कितना साइज भी कितना बड़ा बड़ा, 500 ग्राम का हो गया एक एक। ये तो खेत में जो लगे हुए सब्जियां हैं उसको भी माप देते हैं। एक थर्मोकोल की पेटियों में लगभग कितने पौधे लगाते हैं? लगभग 5 से 6 पौधा लगा देते हैं। यहाँ से हम निकल भी चुके हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ इसका जड़ है। जी जी जी, यहाँ से हार्वेस्ट कर चुके हैं। और इसका साइज देख सकते हैं दोस्तों, कितने बड़े बड़े साइज में ये लगे हुए गांठ गोभी।
और एक तरफ जहाँ गाठ गोभी आपका तैयार हो रहा है वहाँ पे दूसरी तरफ हमने लगा भी दिए, ये छोटे छोटे पौधे भी लगाए हैं। हाँ, छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए। तो इसका पौधा कहाँ से लाते हैं आप? पौधा बाजार से लाते हैं। अच्छा, पौधा का कोई पर्टिकुलर वेराइटी होता है या? हाँ, जो भी ये वेराइटी है बढ़िया वाला, ये जापान वाला वेराइटी होता है। अच्छा अच्छा, तो यदि कोई यही वेराइटी खरीदना चाहे तो क्या बोल के खरीदे? वो बोलना पड़ेगा जापान का जो बीज है गढ़ गोभी का। जी जी, मतलब 210 ग्राम बीज 210 रुपए का लेंगे। अच्छा, आप बीज लाके पौधा तैयार करते हैं? पौधा तैयार करते हैं, हाँ, घर पे ही पौधा तैयार, घर पे तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें मैं देख रहा हूँ एक पौधा आपने एक बैगन का भी लगा दिया। बैगन का भी लगा दिए हैं। जैसे हमारा गोभी खत्म हो जाएगा, बैगन तैयार होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका साइज इतने बड़े बड़े वो रखे हैं, ये देखिए दोस्तों कितने बड़े साइज के हैं। और लगभग सारे ही, कोई भी ऐसा प्लांट इसमें नहीं है जो अनहेल्दी है, सारे ही पौधे हेल्दी आपको देखने को मिलेगा यहाँ। रतन बाबू, ये क्या चीज लगा रखे हैं? ये देखिए गाजर है, और गाजर के संग मूली भी एक लगा दिया। मूली आज निकालेंगे सब्जी के लिए। ओहो, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया साइज हुआ है। और ये किसी खेत में नहीं बल्कि इनके टेरेस गार्डन पे लगे हुए वेस्ट मटेरियल की मूली है, जो पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने उगाए हुए। और जो से लोबिया बोलते हैं, ये भी दिखा दीजिए। लोबिया लास्ट है, खत्म हो गया, तब भी अभी तक हो ही रहा है। अभी इसमें बेल तो सूखते जा रहे हैं, तब अभी भी देखो लोबिया लगा हुआ है। दोस्तों, ये क्या आपने बीज के लिए बचा के रखे हैं या नहीं, करेंगे सब्जियों के लिए? ये इसको सब्जी में यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। ये कितने दिन पहले लगाए थे आप? ये लगाए थे लगभग 3-3.5 महीना तो हो ही गया। 3.5 महीना हो गया। इसमें फल आया था? बहुत फल आया था इसमें। अच्छा, और ये सारे के सारे गांठ गोभी ही है? गांठ गोभी है। ये देखिए, ये सबसे कितना बड़ा हो गया। साइज देखिए दोस्तों, एक एक गांठ गोभी की साइज यदि आप देखेंगे तो, यदि इसमें लगा नहीं होता, ये हार्वेस्ट कर लिए होते और वो फल मैं आपको दिखाता तो आप यकीन नहीं मानते कि गमले में लगे हुआ ये गांठ गोभी है। और उसके संग देखिए, ये हमारा गांठ गोभी खत्म हो जाएगा, फिर लहसुन तैयार हो जाएगा। इसमें लहसुन भी लगा दिया, भी लगे हुए हैं। हाँ, और सारे मिट्टी मुझे सब गोबर लग रहा है। सब गोबर की खाद देख लीजिए, कितना बढ़िया मिट्टी तैयार की है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। सब गोबर की खाद है ये। इसमें दो ही चीज मिक्स है, किचन सॉइल, किचन वेस्ट और बर्मी कंपोस्ट। ये 2-3 मिक्सर से ही आपने बनाए हुए। ये देख लीजिए मूली देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए मूली देखिए दोस्तों, ये देखिए मूली। इसको निकालेंगे आज सब्जी के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसका साइज देखिए, इन मूली का साइज देखिए, कितना बढ़िया साइज हो रहा है। और ये सब हो रहा है थर्मोकोल की पेटियों में। ये दूसरा है, ये हाइब्रिड, ये अभी निकलने लायक हुआ नहीं, बहुत बड़ा बड़ा होता है ये। जी जी जी, अभी तैयार हो रहा है। और ये देखिए, ये तैयार है। तो हमने 2 मूली निकल लिए, और ज्यादा निकलने की जरूरत ही नहीं है, इसी में हमारा सब्जी बन जाएगा। तो रतनदा, ये बागवानी किचन गार्डन का शौक आपके फैमिली में केवल आपको ही है या बच्चों को भी? नहीं, बच्चों को भी है, हमारा भी है। अच्छा, सब पूरे फैमिली। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, रतनदा एक सफल व्यवसायी भी हैं, व्यवसाय भी करते हैं, और जब इनको खाली टाइम मिलता है उस समय में ये किचन गार्डनिंग करते हैं। इसमें देखिए कितना बढ़िया साइज है। और सारे पौधे की यदि मैं हेल्थ दिखाऊं आपको, पौधे को यदि दिखाऊं तो सारे ही पौधे बहुत ही ज्यादा बिल्कुल हरा भरा दिखेगा आपको। और इसमें से भी हमने देखा, मूली लगा चुके थे, इसमें हम सारा मूली निकल चुके, एक मूली बचा है इसमें अभी भी। अब इधर छोटा भी तैयार भी हो रहा है। ये खाली पड़ी जो मिट्टी है, इसमें कुछ और लगाए? अभी लगाए नहीं, अभी लगाऊंगा, इसमें मूली लगाऊंगा। अच्छा, इसमें फिर से मूली लगाएंगे। तो यानी कि इन हरे भरे सब्जियों को खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। हरा सब्जी हम खरीदते भी नहीं, अपने छत के ऊपर उगाए हुए सब्जियों का आनंद लेते हैं। बस, बहुत बढ़िया। इसमें क्या लगा रखे हैं रतन बाबू? ये देखिए पालक है, और कितना बढ़िया हो रहा है देखिए, अभी कितना हरा भरा है, बिल्कुल हरा भरा है। ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी आप हार्वेस्ट भी कर चुके हैं? नहीं, इसमें से अभी हमें निकल नहीं है, अभी ये नया ही हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार तैयार हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया इस बार हमने, जो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हो पाए। जी जी जी, अभी तैयार हो ही रहा है, अभी तैयार हो ही रहा है, 10-15 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा। रतन बाबू, ये क्या चीज है, ये क्या लगा? ये कांदू का पेड़ है। ये कांदू का? हाँ, ये देख लीजिए कांदू का पेड़।
और पेड़ भी देख लीजिए कितना बढ़िया हो रहा है, इतना हेल्दी है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये एक छोटे से गमले में लगे हुए हैं, ड्रम को काट के इन्होंने गमले दो ड्रम काट के दो बना दिए, एक ड्रम को दो बना दिए। और इसका आधा हिस्सा वो है, आधा हिस्सा ये है, आधा यहाँ पालक लगा हुआ है और आधे में ये कांदू। तो इसका क्या सब्जी बनता है रतन? हाँ, इसका सब्जी बनता है और सब्जी बहुत ही बढ़िया बनता है इसका सब्जी। इसके टहनियों का सब्जी, टहनियों की भी सब्जी बनता है। इसका जो होता है जो अंदर, जी जी, उसका भी सब्जी बनता है। अच्छा, इसके रूट का भी सब्जी? हाँ, रूट का भी सब्जी बनता है और इसका टहनियों का भी सब्जी बनता है। ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? ये लगभग 6 महीने पहले हमने लगाए थे, ये बरसात के मौसम में लगाए थे। अच्छा, अब अभी ये कितने दिन बाद तैयार हो जाएगा? ये तैयार है, खाने लायक है, इसके अंदर तैयार भी है। देखिए, इसका ये निकल रहा है, नए नए पौधे भी निकल रहे हैं। इसके अंदर जड़ में कांदू हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ। उसको यदि अभी आप हार्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हो। रतन दा, ये कौन सा नींबू लगा? ये जो नींबू है कागजी नींबू है। कागजी नींबू? हाँ, कागजी नींबू है और इसे हमने मंगाया था ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन मंगाया? हाँ, ऑनलाइन मंगाए थे। और ये इसका लगभग 6 महीना उम्र हो गया, गर्मी 6 महीने का पौधा है, केवल 6 महीने का पौधा है ये। और हेल्दी कितना हो गया 6 महीने के अंदर ही? इसका टेनिया हमने काट भी दिया ऊपर, ज्यादा लंबा हो रहा था, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना है। अच्छा, छोटे हाइट पे आपको? छोटा हाइट में ज्यादा फल चाहिए तभी हमने इसको टेनिया काट भी दिए। अच्छा अच्छा, तो इसमें कभी फूल फल फूल आया नहीं है? अभी आए नहीं। देखिए, 6 महीने उम्र है, लगभग इस साल आने वाला होगा। हाँ, पौधे की ग्रोथ तो यही बता रहा है कि बहुत जल्दी इसमें फ्रूट आने वाला है। और बाकी ये है मूली, जी जी, इसमें मूली और ये बैंगन भी है और पालक भी है। ये सब खत्म हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा बस। ये मार्च में ये बैंगन देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मार्च तक इसमें फ्रूट होने शुरू हो जाएगा, तभी हमने ठंड के मौसम में लगा दिया। और बाकी देखिए, ये जो हमारा जितना पौधा है, जी, हमने इसको पेटी में रख लिया, सब खाद के रूप में यूज करेंगे। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ। दोस्तों, यदि आप बागवानी करते हैं तो बागवानी से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है, यानी कि पौधे के अवशेष, पत्तियां, पौधे, कभी भी आप फेंके ना, इसी तरह से रतन दा की तरह आप भी इसको अपनी बागवानी में यूज करें, जिससे ये ऑर्गेनिक खाद का रूप ले ले। और ये है गार्ड गोभी, और इसमें देख लीजिए मिर्चा का पौधा भी चल रहा है छोटा, बस ये भी मार्च के महीने में, मतलब फरवरी मार्च में मिर्चा देना शुरू कर देगा। और उसी में ये पालक, पालक है ये, बस जल्दी खत्म हो जाएगा पालक। जी जी जी, पालक जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो मूली, इसमें भी है मूली, गार्ड गोभी और इसके साथ लहसुन। तो लहसुन कौन सा लगाए आपने? जो घर में इस्तेमाल के लिए लाते हैं वही लगाए? हाँ हाँ, वही लगाए हैं, जो घर में लाते हैं इस्तेमाल करने के लिए वही लगाए। अब इसको निकालने के बाद, गुड़ाई करने के बाद इसमें डालूंगा बर्नी कम्पोस्ट। जी जी। जो ये लहसुन पतला दिख रहा है, जी जी, आपको ये 2 महीने बाद बिल्कुल मोटा मोटा दिखेगा, मोटा मोटा गांठ बन जाएगा, मोटा मोटा गांठ बन जाएगा। जी जी। जैसे इसमें भी हमने 5 गांठ गोभी लगाए थे, ये निकाल लिए, देखो कल हमने निकाला, इसका ये जड़ है। जी जी जी। और ये भी इसका जड़ है, इधर से भी हमने निकाला, कल निकाला था। और इसके बाद इसको भी निकालूंगा, फिर इसमें डालूंगा बर्निंग कंपोस्ट, खाद डाल देंगे और ये मोटा हो जाएगा बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद। और इसमें भी देखिए, ये मूली, जी जी, और ये तो है ही है, लहसुन तो है ही है, जी जी, और गार्ड गोभी भी है और इधर मूली भी है। और इतना सब्जी हमारे छत में होता है, मतलब हमें से खाया नहीं जाता, पड़ोसी को बांटना पड़ता है। अच्छा। हाँ, इतना सब्जी उगाते हैं, पड़ोसियों को भी बांटना पड़ता है, खाके खत्म नहीं कर पाते, खाके खत्म ही। देखिए, इतना गार्ड को भी हम खाके खत्म ही नहीं कर पाएंगे जितना आपको दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। पड़ोसी को भी बांट भी दिए। इतना सारा सब्जी एक फैमिली से ज्यादा का है, ये जो यूज कर पाते हैं कर ही लेते हैं, और जो एक्सेस हो जाता है वो पड़ोसी को बांट देते हैं। और बाकी एक मिर्चा का पेड़ ये देख लीजिए, और इस पेड़ में लगभग सबसे ज्यादा मिर्चा इस पेड़ में हुआ है, और ये गर्मी मार्च से मिर्चा दे रहा है और ये दिसंबर चल रहा है। देखिए, अभी भी इसमें मिर्चा हरा भरा लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है और पेड़ भी हरा भरा है। देखिए, मिर्चा, मिर्च कितने गुच्छों में गुच्छे, और इधर भी देखिए सारा मिर्चा पक भी जा रहा है, इतना मिर्चा इसमें लगता है। ये देखिए, इसके अंदर अंदर भी देखिए छुपा है, सभी जी जी सब मिर्चा है, सब मिर्चा है। रतन दा, ये प्लास्टिक के ड्रम को जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रम लगभग कितने का मिल जाता है? देखिए, ये सब मिर्चा ही मिर्चा है, अंदर भी भरा हुआ है। ये जो प्लास्टिक के ड्रम है, देखिए ये लेता है 150 रुपए का एक ड्रम।
150 रुपए का आप एक गमला तैयार हाँ, कर देते हैं, फिर उसको हम आधा कर देते हैं तो हमारा मतलब 75 रुपए में एक एक बन जाता है, गमला बन जाता है। और ये गमला जो है 5 से 7 साल तक आपका खराब नहीं होगा। जैसे आप सीमेंट वाला लेते हो तो थोड़ा गिर जाए तो टूट जाता है, उसमें पैसा भी आपको नुकसान है, नुकसान हो जाता है, इसमें नुकसान नहीं होगा। और छत के ऊपर कभी हवा भी चलता है तो ये पेड़ गिर भी जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सीमेंट का होगा गमला टूट जाएगा, गिरते ही टूट जाएगा, हाँ ये टूटेगा गिरेगा नहीं। ये क्या अनार का पौधा है? देखिए अनार का पौधा है और इसका 6 महीने उम्र हो गया, कुल 6 महीने। और ये देखिए अमरूद, ये अनार आने भी लग गया, आने भी लग गया, उसमें फल भी आने लग गया, फल भी है और ये फूल भी है, फूल भी आने लग गया। और ये भी देखिए इसमें भी फूल है, ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे में क्या ऐसा राजा, क्या आप ऐसा डालते हैं जो केवल 6 महीने के पौधे में फ्रूट भी आने लग जाता है? ये केवल ऑर्गेनिक खाद ही डालते हैं, इसी का कमाल है। अभी देखिए इसमें गमले में सारा गोबर का खाद ही दिखेगा तुम्हें, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप अपनी बागवानी में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं क्या? कीड़े मारने की दवा कभी कभी यूज करना पड़ता है, जब भी सब्जियों में लगता है तो यूज करना पड़ता है दवा। अच्छा, बहुत कम? बहुत कम, हाँ बहुत कम। इस बार ठंड के मौसम में कीड़ा लगते नहीं, गर्मी के मौसम में जो है जी, गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, ठंड के मौसम में बिल्कुल डालने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। रतन दा, आपने अपनी पूरी टेरेस किचन गार्डन की सैर करवाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप ही की तरह काफी सारे लोग जो जिनके छत अभी भी सूना पड़ा है, जिनके छत पे बागवानी नहीं है, वो या तो फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट या फिर किचन गार्डन जरूर देखें, जरूर लगाएं। सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने छत पे सब्जियां उगाएं या फूल लगाएं, जो भी आपको जो है पसंद है वो उगा सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो। हाँ, जिसमें आपको रुचि हो उगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रतन सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्डन पे आने के लिए।